आ गई है 2022 की वीक 12 की ऑनलाइन टीआरपी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 टीवी शोज ऑफ दिस वीक जिसको ऑनलाइन सबसे ज़्यादा देखा गया। हम बात करेंगे टॉप 20 से। नंबर 20 की पोजीशन पर है परिणीति जिसको टीआरपी मिला है 7.5। नंबर 19 के पोजीशन पर है मीत बदले की दुनिया की रीत जिसको टीआरपी मिला है 8.0। नंबर 18 के पोजीशन पर है सोती सरदार ने जिसको रेटिंग्स मिला है 11.0। नंबर 17 पर है तेरा मेरा साथ रहे जिसको रेटिंग्स मिला है 14.0। नंबर 16 पर है स्पाई बहू जिसको रेटिंग्स मिला है 16.0। नंबर 15 के पोजीशन पर है वो तो है अलबेला जिसको रेटिंग्स मिला है 18.0। नंबर 14 के पोजीशन पर है द कपिल शर्मा शो जिसको रेटिंग्स मिला है 19। नंबर 13 के पोजीशन पर है उदारिया जिसको रेटिंग्स मिला है 21। नंबर 12 के पोजीशन पर है गुम है किसी के प्यार में जिसको रेटिंग्स मिला है 22। नंबर 11 के पोजीशन पर है कुमकुम भाग्य जिसको रेटिंग्स मिला है 24। आ गई है 2022 की 12 वीक की ऑनलाइन टीआरपी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते सोनी लिव भूत हॉस्टार जैसे ऐप पर कौन से शो को ऑडियंस ने किया सबसे ज़्यादा पसंद। हम बात करेंगे टॉप 10 के पोजीशन से। इस बार टॉप 10 के पोजीशन पर है स्टार प्लस के शो इमली जिसको ऑनलाइन टीआरपी मिला है 25.0। नंबर 9 के पोजीशन पर है ए है साहते जिसको ऑनलाइन टीआरपी मिला है 26.0। नंबर 8 पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसको टीआरपी मिली है 29.0। नंबर 7 के पोजीशन पर है बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 जिसको ऑनलाइन टीआरपी मिला है 32.0। नंबर 6 के पोजीशन पर है भाग्या लक्ष्मी जिसको ऑनलाइन टीआरपी मिला है 35.0। अभी हम बात करेंगे टॉप 5 टीवी शोज ऑफ दिस वीक। नंबर 5 के पोजीशन पर है कुंडली भाग्य जिसको टीआरपी रेटिंग्स मिला है 37.0। नंबर 4 के पोजीशन पर है फाना इश्क में मर जाबा जिसको ऑनलाइन टीआरपी मिला है 41.0। नंबर 3 के पोजीशन पर है अनुपमा जिसको ऑनलाइन टीआरपी मिला है 43.0। नंबर 2 के पोजीशन पर है नागिन सीजन 6 जिसको ऑनलाइन टीआरपी मिला है 44.0। अभी हम बात करें उस शो को जिसको किया सबसे ज़्यादा पसंद। और नंबर 1 के पोजीशन पर है ए रिश्ता क्या कहलाता है ऑनलाइन टीआरपी मिला है 46.0। तो हम देखें तो नागिन सीजन 6 इस पर नंबर 2 के पोजीशन पर है विथ 44 रेटिंग्स पॉइंट। बात करें ए रिश्ता का कहलाता है कि टीआरपी में एक बड़ा उछाल देखने को मिला क्योंकि हमने लास्ट वीक देखा था नागिन सीजन 6 था नंबर 1 पर विथ 46 रेटिंग पॉइंट्स, लेकिन इस पर ए रिश्ता का कहलाता है को मिला है 46 के रेटिंग पॉइंट्स और नागिन सीजन 6 को 2 पॉइंट्स कम हो गया है। और अनुपमा नंबर 3 के पोजिशन पर है विथ 43 रेटिंग पॉइंट्स। हर बार की तरह नंबर 4 के पोजीशन पर है फाना इश्क में मर जाबा और कुंडली भाग्य की एंट्री हुई है टॉप 5 में विथ 37.0। बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 नंबर 5 के पोजीशन से नंबर 7 के पोजीशन पर आ गया है विथ 32 रेटिंग पॉइंट्स। तो देखते हैं आने वाले टीआरपी में कैसा धमाल मचाता है सभी शोज। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपडेट्स के लिए।